से नहीं बनी, इंदु जी की जिंदगी कहीं और चली गई, तो ऐसा मौका एक दफ़ा आया था लेकिन फिर वो हुआ नहीं, और तब से मैं अब तक इंतज़ार ही कर रहा था कि मुझे ये मौका मिले। और अमित जी के साथ फिल्म के लिए ना करने की मेरी हिम्मत ही नहीं। तो बहुत बहुत सालों से मैं इनसे कह रहा हूँ कि आप एक, दरअसल मैं बताना चाहता हूँ कि आमिर खान केवल आमिर खान ही नहीं है, ये प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, मार्केटिंग जीनियस भी हैं, एग्जीबिटर भी हैं और स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं, उसके बाद जाकर के एक ब्रिलियंट एक्टर हैं। तो इनके साथ मुकाबला करना बड़ी कठिन काम हो जाता है। तो मैं कब से कह रहा हूँ उनसे कि भाई साहब एक फिल्म आप उसका निर्देशन कीजिए, हमें कहीं छोटा सा एक रोल दे दीजिए, पीछे झंडा उंडा हम हिलाते रहेंगे। ये मान ही नहीं रहे, कब से मैं इनको बोल रहा हूँ सर, आज सबके सामने सार्वजनिक कर दिया है मैंने ये बात। आप इनकी बात नाउ यू हैव टू मान रही, यू हैव टू मान ली मैंने अमित, अरे प्लीज इसको आप एडमिट कर लीजिए भाई साहब। सर मेरी ये खुश नसीबी होगी अगर मैं, और दो तीन मैंने आइडिया भी दिए इनको कि भैया इस पे कहानी बनाओ, तो ये कहते हैं अच्छा सोचता हूँ मैं। और दो तीन बार ऐसा हुआ है कि कई बार मैंने इनसे कहा ये बहुत अच्छी कहानी रहेगी अगर आप करेंगे तो मैं इसमें, अच्छा सोचता हूँ मैं, और सोचते सोचते कई बरस बीत गए। मेरा एक और सवाल है आपसे, पूरे ट्रेलर में जो बहुत अच्छी बात लगी, आप गधे पर क्यों सवार हैं? मतलब कुछ खास आपके कैरेक्टर के साथ उसकी कुछ सिमिलैरिटी आई? सर ये कहानी जो है और किरदार जो है वो विक्टर साहब ने लिखा, आप ही बस समझाइए आपने मुझे गधे पे क्यों बैठा दिया, और बड़ा मुश्किल था उस पर बैठना, इतना आसान नहीं था। सर आप बहुत मुश्किल रोल बड़ी आसानी से निभा जाते हैं, तो इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, और वो मैं आपको 8 तारीख को दिखा दूंगा, तो उस दिन ये बात क्लियर हो जाएगी। पर फिलहाल ये है कि ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हमने, आपने हीरोज़ को देखा होगा लैम्बोर्गिनी पे आ रहे हैं, कोई हवाई जहाज़ से आता है, कोई पानी से निकल आता है, ये हीरो ऐसा है, ये गधे पे आता है और सबको ठग के जाता है। एंड द डोंकी इज अ वेरी फिलोसॉफिकल एनिमल, दैट्स द थीसिस ऑफ माय नेक्स्ट फिल्म। विक्टर ये पूरी ये जो जर्नी है, हाय सेंटर जी जी यहाँ पे, जो पूरी जर्नी है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का, ट्रेलर लॉन्च हुआ है, हम सब ट्रेलर हमने देखा, इसका पूरी जर्नी में जो चैलेंजेस क्या क्या रहे हैं, कि इतनी बड़ी कास्ट, इतना बड़ा कैनवस, एक पीरियड फिल्म बनाने में आई थिंक काफ़ी कुछ चुनौतियां रही होंगी, क्या कुछ चैलेंजेस रहे? ये चैलेंजेस बताने में 2 साल लगेंगे, उतना समय अगर आप मुझे दें तो मैं आपको बताऊं। कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें सिर्फ समथिंग लाइक दिस विच इज इन ऑल ह्यूमिलिटी आई थिंक वी वुड लाइक टू से दैट एज अ टीम वी हैव ट्राइड टू डू समथिंग विच इज प्रॉबली नॉट बीन अटेम्प्टेड बिफोर इन मेनी वेज। Some of it would be technical, some of it would be logistical. तो उसमें चुनौतियाँ बहुत आईं, और चुनौतियों के ऊपर जीतना भी आया, और सबसे ज़्यादा मज़ा उस बात का है कि आप सेट पे जाते हैं और शाम को आप बहुत थक के लौटें लेकिन आपको लगे कि हमने आज कुछ किया जो जो अच्छा हुआ। That's about it, I think. आमिर, अमित जी, firstly congratulations on the trailer. As someone who have been in the industry for so long, I want to ask you this question. Tanushree Dutta recently she accused veteran actor Nana Patekar of sexual misconduct on the sets of a movie. I want to especially Amir and Amit ji, I want to ask your reaction. Also, she revealed a lot of other truths about the film industry. Firstly, I want to know your reaction on accusing Nana Patekar, a veteran actor like Nana Patekar, of sexual misconduct. सर ना तो मेरा नाम तनुश्री है और ना ही नाना पाटेकर, कैसे उत्तर दूँ आपके सवाल के? वेल आई थिंक विदाउट नोइंग द वेरासिटी ऑफ समथिंग और द डिटेल्स ऑफ समथिंग आई डोंट थिंक आई कैन कमेंट ऑन इट, इज नॉट राइट फॉर मी आइदर वे टू कमेंट ऑन इट, बट आई वुड लाइक टू से दैट वेन एवर समथिंग लाइक दिस डज हैपन, इट्स रियली सैड थिंग, नाउ वेदर दिस हैज हैपेंड एंड you know that is for people to investigate, I you know I don't think we can comment on that. Amir sir same yeah center jaise Bachchan sir ne bhi bola us grand picture mein Katrina and Bachchan sir ko kyu nahi aap mein invite kiya gaya? Are sir ye sabse mahatvapurna prashn aapne pucha, main aapko bata dun
And Katrina is really with me on this. And we're deeply depressed because we were not invited to this gathering. And we're going to hold it against you, Amit. Sir, Kash, wo mera ghar hota aur Kash. And Ranbir and everyone. Victor, here. On behalf of Amitabh Bachchan fans and Aamir Khan fans, you know, thank you for fulfilling our 20-year-old dream. 1998, I think, Rishta was supposed to get launched, and uske baad Happy New Year, Happy Diwali. Aur aaj aapne wo kiya hai, toh thank you so much. Thank you. All right. Aamir sir, main Sandeep, ANI se, yahan pe. Bahut achhe film ka trailer hai, bahut maza aaya dekh karke. Aapki ek film bani thi, PK. Kaafi kuch samajhne aur dekhne ko mila, aur aise hisse ko aapne explore kiya jo kabhi kisi ne socha nahi tha. सर सवाल आपसे ये है, क्या पूजा पाठ करने के लिए किसी जगह पर जा कर के या इबादत करना या नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है? और मेरा सवाल इसलिए अहम है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में इस विषय को लेकर के सुनवाई है. सर आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपकी फिल्म आई थी और आपने बहुत अच्छे मैसेज दिए थे उस फिल्म से. There's I would actually request that we use this forum to talk about thugs of Hindustan. No, I request you, ma'am, please let him speak. No, I'll tell you why I won't speak, because hamari film release par hai. Main kuch bhi bol dunga, meri film ruk jayegi. To film ki release ho jaye, uske baad main ye sare sawal ke jawab dunga. Thank you. Bachchan sir, Bachchan sir. दरअसल ये फिल्म जो है, इट इज़ एन एक्शन एडवेंचर फिल्म, एंड इन दैट सेंस द जॉनर इज सिमिलर. पायरेट्स ऑफ कैरिबियन का भी जॉनर एक्शन एडवेंचर है, इसका भी एक्शन एडवेंचर है. कहानियों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, जो जॉनर है उसमें सिमिलैरिटी जरूर है. जी बच्चन सर, सॉरी, दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन, लेट मी क्यू यू, दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन. माय क्वेश्चन इज राइट अहेड बच्चन सर. रसल डी सिल्वा हियर, ओवर हियर. Sir, in the motion poster, your name is given as Khuda Baksh, but here in the trailer, everyone is calling you Azad. Why is that, sir? So that you can go and see the film and find out why. On that note, I think this is all the time we have. One last question. Your Manisha, you're from Hot Friday Talks. कहाँ बार-बार मौका मिलता है इन सब लोगों को? Sir, ऊपर. Yeah. Yes. I want to ask all of you whether you've ever thugged in life. Haan, maine to bahut logon ko thaga hai. I have to admit. Thug ka matlab samjhaiye pehle. Like maybe when you were small, maybe a thug. So you didn't want to go to school and you did something to avoid going to school. Haan, jab school mein the. तो वो टिफ़िन होता है ना, वो साथ में दिया जाता था, तो हम खाते होते नहीं थे उसको. लेकिन जब वापस आते थे और जब बस से उतरते थे एक चौराहे पे जहाँ से हमको पैदल जाना पड़ता था अपने घर पे, तो वहीं कोने में झाड़ी में हम खाना फेंक देते थे और टिफ़िन खाली ले जाते थे. तो घर पे ऐसा लगता था खाना खा के आए. Would you like to share it? No. Katrina, could we hear from you on this one, please? Katrina, could we please hear from you? I don't think I've done any such misdeeds. A well-behaved girl. Victor? मैं अपना बताऊं या बाकी सब? आपका. Katrina पूरे देश को ठग रही हैं आप. क्या बात? क्या बात? नहीं, मैं बहुत ही सीधा और शरीफ इंसान हूँ. मैंने आज तक किसी को नहीं ठगा. और ना ही मैं सिर्फ ऑडियंस को ठगना चाहता हूँ बस. फातिमा? मैं तो सबसे सीधी लड़की हूँ. मैं नहीं ठग सकती किसी को, इतना मासूम चेहरा. I think your answer is pretty evident by this time. And I think with that we must say that we have introduced the thugs of Hindustan to you, ladies and gentlemen. Can I please request our friends from the press who'd like to get a lovely shot of the cast to kindly get ready with your cameras? Can I please request our wonderful team of thugs of Hindustan to kindly step forward and take that wonderful, glorious photo that is going to break the internet today. Like. पीछे करो इनका सारा भी आ गया.
All right, are you ready? Presenting Team Parks of Hindustan to you. To you, Hindustan, thank you. That's the EF, right? Sir, only cast. Wow. Ladies and gentlemen, thank you so much. We love you, EF. Thank you so much. And thank you, friends of the media, for being here today. It's been an absolute pleasure. 8th of November, don't forget, Thugs of Hindustan.